सब लोग मजे में। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर डे विद द श्लोक। सो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु जस का, त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सो लास्ट वीक हम लोगों ने क्या किया था, वी हैड स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन, ओके। और उसमें हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले टेबल्स, डॉजिंग टेबल्स, देन हमने रिलेशन बिटवीन द रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का किया था, और हमने विदाउट बोरोइंग वाले थोड़े से मल्टीप्लिकेशन के सम किए थे। आई होप कि आप सब लोगों ने टेक्स्ट बुक में यानी कि लर्न वेल में, एक्टिविटी बुक में और वर्कशीट में आप सब लोगों ने अपना होमवर्क डन कर लिया होगा, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हम यहाँ पे थोड़े से मल्टीप्लीकेशन के सम करेंगे। अब इसमें कैरी फॉरवर्ड वाले भी हो सकते हैं, सो बी कॉन्सेंट्रेट हियर, ओके। सो यहाँ पे वंस और टेंस यानी कि टू डिजिट वाले सम्स है, 94 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा आप सबको याद है ना कैसे करना है, ट्रिक कैसी थी, यहाँ पे जो नीचे जो नंबर है उसका हमें टेबल बोलना है, एंड वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। सो फोर फोर जा फोर का टेबल फोर तक बोलना है, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, एंड फोर फोर जा 16। सो सिक्स इज हियर एंड वन कैरी ओवर। फोर नाइन जा क्या होता है, 36, 36 प्लस 1 37, एंड आंसर इज 376, ओके। अब आपको कैरी फॉरवर्ड वाले में कैसे करना होता है, यहाँ पे जब टू डिजिट साथ में आ जाए तो वन डिजिट जो वंस की प्लेस वाला है वो यहाँ पे रखेंगे और टेंस की प्लेस वाला उसको कैरी दे देंगे। फोर नाइन जा करेंगे, ओके, फोर नाइन जा 36, और जो कैरी है हम हमारी उसको हम एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सो फोर नाइन जा 36 प्लस 1 37, देन आंसर इज 376, ओके। Now our next sum is 68 multiplied by 5. Okay, बच्चों आपको बताना है कौन सा टेबल फॉलो होगा, yes, 5 का, and we always start from ones place. So 5 का 8 तक, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, and 5 eights are 40. So 0 is here and 4 carry over to tens place. 5 6 होता है 3 0 30 प्लस 4 31 32 33 and 34। वी विल राइट हियर 34, देन आंसर इज 304040। नाउ और नेक्स्ट सम इज 79 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पे कौन सा टेबल फॉलो होगा, 9 का, and we always start from ones place. So 9 9s होता है 81, 1 is here, 8 carry over. Listen बच्चों, आपको addition के chapter में मतलब ऐसा लगता था 1 या 2 ही carry over हो सकते हैं, but no, यहाँ पे modern numbers भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 4 8, तो आपको कोई tension नहीं लेना है, उतना हमें यहाँ पे count कर लेना है, nothing else. 9 7 63 63 plus 8 कैसे करेंगे, 64 65 66 67 68 69 70 71, then answer is 700 1 1 11, okay. Next sum है 45 मल्टीप्लाई बाय 6। अब वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस, कौन सा टेबल होगा, 6 का टेबल, 6 5 3 0 30, सो 0 इज हियर, 3 कैरी ओवर टू टेंस प्लेस। नाउ 6 4 24 24 मल्टी प्लस 3 24 आफ्टर 25 26 27,
So we will write here 27. Then answer is 207070. Next 88 multiplied by 7. Okay, कैसे होगा बच्चों? Yes, कौन सा टेबल हम फॉलो करेंगे? 7 का. We always start from 1's place. 7 का टेबल 8 तक. 7 1's are 7, 7 2's are 14, 7 3's are 21, 7 4's are 28, 7 5's are 35, 7 6's are 42, 7 7's are 49, 7 8's are 56. So 6 is here and 5 carry over. Now, 7 8's are again 56 plus 5. Plus 557, 58, 59, 60, 61. Then answer is 600, 1660. I hope बच्चों कि आप सबको ये टू डिजिट वाले कैरी ओवर वाले सम आप सबको समझ में आ गए होंगे. ओके, जैसे अभी हमने टू डिजिट वाले कैरी ओवर वाले सम्स किए थे, लाइकवाइज अभी हम करेंगे थ्री डिजिट वाले यानी कि वन टेंस और हंड्रेड प्लेस वाले सम्स कैरी ओवर वाले. ओके, हमने लास्ट वीक भी किए थे थ्री डिजिट वाले, अब सबको आते ही है. जैसे हमने टू डिजिट किए वैसे थ्री डिजिट के करने इट्स इजी. अगर कैरी ओवर होती है तो हमें काउंट भी करनी है, नथिंग एल्स. ओके, सो हियर इज 463 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, कौन सा टेबल फॉलो होगा? 4 का टेबल फॉलो होगा. एंड वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन्स प्लेस. सो 4 इज अ 4, 4 टू इज अ 8, 4 3 इज अ 12. सो 2 इज हियर एंड वेन 1 कैरी ओवर. नाउ 4 6 4 6 24 प्लस 1 25. अब यहाँ पे हम एक साथ 25 नहीं लिख सकते हैं. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अभी 100 का अभी हमें कैलकुलेशन करना बाकी है. सो 5 इज हियर एंड 2 कैरी ओवर. 4 4 इज 16, 16 प्लस 2 18. सो आंसर इज 1852. अब यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि थ्री डिजिट तक होती है तो हम 100 की तरह बोलते हैं, जैसे कि 800, 500, 700, 600. ओके, बट जहाँ पे यहाँ पे वन टेन्स हंड्रेड एंड थाउजेंड फोर डिजिट हो जाते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? थाउजेंड से स्टार्ट करेंगे. 1852. ओके बच्चों, अब यहाँ पे इस तरह से डबल कैरी भी हो सकती है और यहाँ पे फोर डिजिट्स में भी आंसर हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं लेना है. इट्स टू इजी. आप सब स्मार्ट बच्चे हो, आप सबको आता ही है. ओके, नाउ थ्री का टेबल एंड यू ऑलवेज ओके 809 मल्टीप्लाई बाय 3. व्हिच टेबल इज फॉलोइंग? 3 का टेबल एंड वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन्स प्लेस. 3 9s are 27. So 7 is here and 2 carry over. Now, आप सबको पता है कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 देन आंसर इज 0 ओनली. सो 3 zeros are 0 and 0 plus 2. 0 plus 2, 1, 2, 2. And 3 8's are, 3 1's are 3, 3 2's are 6, 3 3's are 4. Sorry, 3 1's are 2, 3 1's are 3, 3 2's are 6, 3 3's are 9, 3 4's are 12, 3 5's are 15, 3 6's are 18, 3 7's are 21, 3 8's are 24. So, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 digit है. तो हम कैसे बोलेंगे? थाउजेंड से 2427 कैसे बोलेंगे? 2427. नेक्स्ट 687 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, विच टेबल इज फॉलोइंग? 2 वाला टेबल. कहां से स्टार्ट करेंगे हम? पीछे वाले यानी कि वन्स प्लेस से. सो 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, 2 थ्रीज आर 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, and 2 7s are 14. So 4 is here, 1 carry over, 2 8s are 16, 16 plus 1, 17, 7 is here, 1 carry over again, 2 6 are 12, 12 plus 1, 1 3 13. So answer is 1374. यहाँ पे क्या है? 1374
374। नेक्स्ट सम है हमारा 489 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन्स प्लेस। व्हिच टेबल इज फॉलोइंग? 6 वाला टेबल। ओके कैसे करेंगे हम? 6 9 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 6 9 जा 54 4 is here and 5 carry over. 6, 8 is 48. 48 plus 5. 49, 50, 51, 52, 53. 3 is here, 5 carry over. 6, 4 is 24 and 24 plus 5. 24 plus 5, 25. 26, 27, 28, 29. Then, अभी कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4. तो कैसे बोलेंगे? 2,934. कैसे बोलेंगे? 2,934. अब सबको समझ में आ गए? ये 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले सम्स अच्छे से इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है टेक्स्ट बुक में, यानी कि लर्न वेल में, नोटबुक में, अगर इफ यू आर गेट फ्री टाइम, वर्कशीट में एंड एक्टिविटी बुक में। ओके बच्चों, सो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन बाय 10 एंड 100। मल्टीप्लीकेशन बाय एनी नंबर बाय 10 मीन्स प्लेसिंग 10 टू द राइट ऑफ नंबर्स। मतलब अगर हम 10 में मतलब कितने डिजिट, कितने नंबर जीरो है, 1, तो क्या करना है हमें? राइट हैंड साइड एक जीरो एक्सटेंड करना है। कैसे? 18 टेंस है, मतलब 18 और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई बाय 10 है तो क्या करना है? 18 और पीछे राइट हैंड साइड पे एक जीरो ऐड कर देना है। अगर 10 है तो 10, 100 है तो 20। कहाँ पे? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यहाँ पे पीछे। ओके जैसे कि 68 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे 10 है अगेन, सो 68 लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 10 है तो क्या करेंगे? पीछे 10 लगा देंगे राइट हैंड साइड पे। ओके नेक्स्ट है हमारा 76 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जहाँ पे 100 होते हैं यानी कि 20 हम पीछे ऐड करेंगे। एक चीज याद रखनी है बच्चों, अगर मल्टीप्लाई बाय 1 है तो सेम नंबर आएगा, 10 है तो पीछे 10 आएगा, 100 है तो पीछे 20 आएगा। मतलब पीछे जितने जीरो है ना वो सेम नंबर पे लग जाएंगे पीछे। ओके सो 76 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 76 यहाँ पे 100, सो 7600 बोल सकते हो, 7600 भी बोल सकते हो उसको। ओके नेक्स्ट है 6060 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 6060 है वो तो हम यहाँ पे लिख देंगे, 100 यानी कि 2 डिजिट के 2 जीरोस लिखेंगे, डन। तो कैसे रीड करेंगे? 6000 क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डिजिट है इसलिए। नाउ नेक्स्ट है 74 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 है तो पीछे राइट हैंड साइड पे 10 ऐड होगा, तो 74 और यहाँ पे 0, जो 700 40। नेक्स्ट 49 मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 4900 यानी कि 0020, तो कैसे लिखेंगे? 4900। और सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे 100 तक हमने सीखा है क्योंकि हम सेकेंड स्टैंडर्ड में 100 तक ही सीख रहे हैं। अगर आप आगे पढ़ोगे थर्ड में तो यहाँ पे 3 डिजिट 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम 3 जीरोस लगा देंगे, इजी मेथड वही रहेगी हमारी। ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले कैरी फॉरवर्ड वाले भी सम्स कर लिए, हमने कुछ प्रॉपर्टीज बाय 10 और बाय 100s में मल्टीप्लीकेशन बाय 10 और मल्टीप्लीकेशन बाय 100 भी सीख लिया। राइट नाउ अब हम क्या सीखेंगे? हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जैसे हमने किया था वर्ड प्रॉब्लम्स, लाइकवाइज अब हम
मल्टीप्लीकेशन के चैप्टर में भी अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके बच्चों, सो यहाँ पे मैंने आपको पता है उस टाइम पे क्या बोला था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड योर क्वेश्चन टू टाइम. ओके, तो पहले हम टू टाइम हम रीड करेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटेटो इज रुपीज 180. 1 kg पोटेटो की कॉस्ट यानी कि प्राइस क्या है, 180 रुपीज है. ओके, सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 kgs ऑफ पोटेटोज. अगर मुझे 5 kgs ऑफ पोटेटोज लेने हैं तो मुझे कितने रुपीज देने होंगे. अगर हम कहीं पे भी वेजिटेबल्स या कुछ भी लेने जाते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, 1 kg की प्राइस बोलते हैं. फिर आपको 2 kg लेना है, 500 ग्राम लेना है, 3 kg लेना है, 4 kg लेना है, 5 kg यानी तो 10 kg आपको उतने खुद कैलकुलेट करने पड़ते हैं. ओके, तो यहाँ पे अब हम वेजिटेबल मार्केट में गए हैं, उन्होंने बोला है कि 1 kg ऑफ पोटेटो की प्राइस है 180. ओके, और मुझे बाय करने हैं 5 kg, तो मुझे कितने रुपीस जो वेजिटेबल मार्केट वाले जो है ना सेलर्स, उनको कितने रुपीस देने होंगे. 1880 रुपीस के 1 kg ऑफ पोटेटो, तो 5 kgs के कितने होंगे. तो 1880 मल्टीप्लाई बाय अगर 5 करोगे देन यू गेट द आंसर. आपको उतने रुपीस आपको पे करने हैं. तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटेटो कितने हैं. सो कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटेटोज इज 1818 रुपीज. यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो रुपीज 1818. देन अब हमें आंसर क्या चाहिए, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 kg. सो कॉस्ट ऑफ 5 kg पोटेटोस इज क्या हमें दे. अभी तो हमें पता ही नहीं आंसर, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया. अब हम क्या करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम करेंगे टेंस और यहाँ पे वंस. 1880 मल्टीप्लाई बाय 5. सो जैसे हमने सम करते थे वैसे ही करना है. 5 8 कैसे होता है, 5 8 14. सो 0 इज हियर, 4 कैरी होगा, 5 1 5 5 + 4 9. सो आंसर क्या होता है, 9090. अब यहाँ पे हम पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 5 kg पोटेटोस 9090 रुपीज 9090. ओके, इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स लिखने हैं जैसे कि हम स्टेटमेंट्स लिखते थे. आप क्या करते हैं, यहाँ पे ही कैलकुलेशन करते थे, राइट. अगर जो कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं हो सकता है वो हम यहाँ पे करके लास्ट में यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे. अंडरस्टूड. ओके बच्चों, और ये आपको सारे के सारे सम किसमें करने हैं, नोटबुक नंबर जो आपकी 3 है उसमें आपको पहले क्वेश्चन लिखने हैं. आफ्टर दैट उसके लाइक जैसे मैंने आंसर्स लिखे हैं लाइक वाइज वैसे ही आपको इसके आंसर्स कॉपी करने हैं. ओके, हमारा नेक्स्ट सम है, सुमित हैड 4 बंच ऑफ फ्लावर्स. अब जो फ्लावर के बंचेस होते हैं, राइट, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं ना, नंबर्स ऑफ फ्लावर्स ऐसे बंचेस हैं, वैसे कितने हैं सुमित के पास, 4 बंचेस हैं. If each bunch has 5 flowers, हर एक बंच में 5 फ्लावर्स होते हैं अगर होंगे, उसके पास कितने बंच हैं, 4 बंच हैं, और each bunch में 5 फ्लावर्स हैं. So how many flowers are there in all? अगर मुझे number of flowers, total numbers of flowers चाहिए कि सब bunches में मिला के कितने flowers हैं. अच्छा, जब से सबसे पहले मैंने आपको जब रिपीटेड एडिशंस और यहाँ पे हमने ऐसे ड्रॉ किया था, पता है आपको,
प्रीवियस वीडियो में जिस तरह से जब 1, 2 और यहाँ पे था, तब हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे 2 + 2 यानी कि रिपीटेड एडिशन 4 भी कर सकते हैं और यहाँ पे 2 × 2 भी कर सकते हैं, राइट। तो यही वाला है यहाँ पे कैसे करना है, टोटल कैसे करेंगे, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन 4। तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, उसके स्टेटमेंट्स लिखना है। स्टेटमेंट्स लिखने के लिए आपको ये वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से 2 टाइम रीड करना है, देन यू कैन राइट वेरी इजीली। ओके, सो सुमित के पास कितने नंबर ऑफ बंचीज है, 4। सो नंबर ऑफ बंचीज फ्लावर कितने हैं, 4। अब इफ ईच बंच हैज अ 5 फ्लावर्स, सो नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच बंच, मतलब हर एक बंच में कितने फ्लावर्स हैं, 5। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर्स ऑफ, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ। सो 4 + 5 नहीं करेंगे, 4 + 5 करेंगे तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे ही हमारे पास 5, ऐसे ही कितने हैं हमारे पास, 4 है, ओके। अगर आप 4 + 5 करोगे तो 9 आंसर है, राइट। बट यहाँ पे कैसे दिया है, 4 क्या है, फ्लावर्स ऑफ बंच है, सो 1, 2, 3, 4 और इसके अंदर क्या है, 5 है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो ये रिपीट एडिशन की तरह हो गया, बट हम इजीली क्या करेंगे, 4 × 5 क्या करेंगे, 2, 0, 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2, 0, 20 आंसर आ गया। तो उसको हम स्टेटमेंट की तरह कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, हाउ मेनी, 2, 0, 20 फ्लावर्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स आर 2, 0, 20। आप लोगों को मैंने इसीलिए वो ड्रॉ करके बताया था कि मुझे पता है अगर आप यहाँ पे हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल तो आप फटाफट एडिशन कर लोगे, बट आपको एडिशन नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन करना है। क्योंकि मैंने जब हमने एडिशन का चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि कोई भी सेट, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको अपनी लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है, देन वी गेट नो कि हम मल्टीप्लीकेशन करना है, एडिशन या तो सबट्रैक्शन, इसीलिए मैंने आपको वो ड्रॉ करके बताया था। ओके बच्चों, ओके, हमारा 3 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम है, 65 चिल्ड्रन कैन सिट इन 1 बस, एक बस में हम कितने चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, 65। ओके, आप सबको बस और चिल्ड्रन का नाम सुन के आपको मॉर्निंग वाली हमारी बस याद आ गई ना, आई ऑफ कोर्स आई ऑल्सो मीन्स दैट, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन सिट इन 2 बस। अगर हम एक बस में 65 स्टूडेंट्स यानी कि चिल्ड्रन को बिठा रहे हैं, सो हम 2 बसेस में कितने चिल्ड्रन बिठा सकते हैं, अगर आप 65 + 2 करोगे तो 67, इज दैट पॉसिबल, नो। अगर एक में 65 है तो दूसरे में भी उतने तो होने ही चाहिए ना, 65। सो 65 + 65 करेंगे यानी कि रिपीटेड एडिशन, यानी कि 65 × 2 करेंगे, देन वी गेट द आंसर। ओके, यानी कि एक बस में 65, दूसरे बस में 65, 2 बसेस हैं हमारे पास, तो रिपीटेड एडिशन 65 + 65 और वी कैन राइट एज अ 65 × 2। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के चैप्टर में हम क्या फॉलो करेंगे, 65 × 2। ओके, अब वर्ड प्रॉब्लम्स में हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, 65 चिल्ड्रन कैन सिट इन 1 बस, सो नंबर ऑफ क्या है, चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन
can sit in one bus, that is a 65, and number of children can sit in two bus. तो कितने होंगे? तो we want the answer, right? तो उसको हम कैसे करेंगे? 65 multiply by 2. So कौन सा टेबल फॉलो होगा? 2 का. 2 5 is 10. 0 is here. 1 carry over. 2 6 is 12. 12 plus 1. 3 0 30. So total number of children can sit in two buses, two bus कितने होंगे? 130, यानी कि 130 total students हम two buses में हम बिठा सकते हैं. ओके, हमारा फोर नंबर वाला व्हाट प्रॉब्लम है. कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 32. 1 लीटर मुझे मिल्क चाहिए तो उसकी प्राइस है 32 रुपीज. ओके, इफ व्हाट इज द टोटल मनी यू हैव टू पे इन केस यू परचेज 4 लीटर्स ऑफ मिल्क. ओके, मगर व्हाट इज द टोटल मनी, अगर मुझे कितने टोटल मनी पे करने होंगे जब मैं 4 लीटर्स ऑफ मिल्क मैं परचेज यानी कि बाय करूंगी यानी कि मैं खरीदूंगी. ओके, अगर मैं कोई भी मिल्क शॉप में जाती हूँ, मैं वहां पे मिल्क शॉपर जो है ना उनसे मैं पूछूंगी, ओके व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, ही टोल्ड मी 32 रुपीज. ओके, इफ आई वॉन्ट 4 लीटर, तो अगर मुझे 4 लीटर खरीदने हैं, मुझे बाय करने हैं, तो मुझे उनको कितने रुपीस पे करने होंगे? तो ये हमें कैसे करना है? अगर 32 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी, यानी कि 32 4 टाइम करूंगी, 32 प्लस 32 प्लस 32 और प्लस 32, यानी कि 4 टाइम 4 लीटर्स है तो 4 टाइम करने पड़ेंगे, राइट? यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाय 4 भी हो सकता है. तब देन वी गेट द आंसर. और हमें डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं है बिकॉज इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, सो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स. तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने 1 नंबर वाला किया था ना, कॉस्ट ऑफ पोटेटोज वाला, वैसे ही करेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कितना है? रुपीज 32. देन कॉस्ट ऑफ 4 लीटर ऑफ मिल्क क्या होना चाहिए? वी हैव टू फाइंड आउट. तो हम कैसे करेंगे? 32 मल्टीप्लाई बाय 4. यहाँ पे कौन सा टेबल होगा? 4 का. 4 टू 8, 4 3 जा 1 टू 12. आंसर इज 128. अब उसको स्टेटमेंट के जैसे आंसर देना है. कैसे देंगे? हमें क्या फाइंड करना है? सो व्हाट इज द टोटल मनी यू हैव टू पे इन केस यू परचेस द 4 लीटर्स ऑफ मनी. सो टोटल मनी ऑफ 4 liters of milk. How much? 128. क्या है? रुपीस. ओके बच्चों, मुझे 128 रुपीस, ये रुपीस का सिंबल बनाया है मैंने. ओके, कितने पे करने हैं? टोटल मनी ऑफ 4 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 128 रुपीस मुझे वोंका यानी कि मिल्क शॉपर वाले को देने पड़ेंगे. ओके, हमारा फिफ्थ नंबर वाला जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, हमने बच में लिखा है हॉर्स.
आपको वर्ड प्रॉब्लम के फिर से आपको स्टेटमेंट लिख के आपको नोटबुक में लिखने की ये जरूरत नहीं है. यू कैन राइट डायरेक्ट आंसर इन योर लर्नर. ओके, सो हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन वन वीक. वन वीक में कितने आवर्स होते हैं भाई, वो तो हमें ऐसे एक दो तीन चार पांच काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें क्विक हो जाएगा. कैसे, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ वन डे. 24 आवर्स इन अ वन डे, कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स. ओके, तो इतने वन वीक में तो फिर डेज कितने होते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज होते हैं. तो अगर वन डे में 24 आवर्स होते हैं, सो वन वीक में कितने आवर्स होने चाहिए, क्योंकि डेज कितने हैं भाई, 7 डेज. वन डे का 24, तो 7 डेज का कितना, वन डे का 24 आवर्स, देन 7 डेज का कितना, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 7. कैसे करेंगे, 7 4 28 8 is 2 carry over 7 2 14 14 plus 2 16 then answer is 168 hours in one week. कितने hours है, 168 hours in a one week. बस यही answer आपको लर्नमेल में लिखना, nothing else. ओके बच्चों, आज हमने बेस नंबर 172 के क्विक चेक के हमने जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कर लिए हैं, और उसके पहले क्विक चेक की एक्सरसाइजेस की है जो मेंटलमेंट्स है, और 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले कैरी ओवर्स वाले सम किए हैं, और आप लोगों को यही सारा लर्नर में कंप्लीट करना है. मोर प्रैक्टिस के लिए आपको एक्टिविटी बुक में और आप लोगों की जो वर्कशीट है ना उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.